Hi guys, this is Big Mom, and you're watching my YouTube channel, Momoto. हाँ तो आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन बाद वीडियो और मैं कहाँ था अब तक. तो इसका रीज़न ये है कि जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, प्लास्टिक पेपर बाटली भंगार वो इसको इग्नोर करना प्लीज़. तो मैं कहाँ था और मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो क्यों नहीं डाली, तो इसका रीज़न ये है कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा था. जैसे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे, फिर मेरे एग्ज़ाम्स आ गए, तो ये वो. तो अभी आज संडे, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे जाता है. तो आज के जैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज के वीडियो का कंटेंट में ये नकल गार्ड्स कैसे जाता. तो आप जैसे ये देख सकते हो, ये जो है ये है KTM के, जो कि मुझे मिल गए किस्मत से एक जगह. तो आप ये ऑनलाइन भी खरीद सकते हो ऑनलाइन, लेकिन आपको ये आले नहीं मिलेंगे क्योंकि KTM के, तो आपको कोई शॉप से मंगाना पड़ेगा या फिर आप शोरूम से आके ले सकते हो KTM के. तो ये हम लगाने वाले हैं हमारी बाइक में. तो जैसे कि मेरी बाइक का कलर है ब्लैक एंड ग्रीन और ये है वाइट. तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी फ़िट कर दूँगा. फिटिंग की वीडियो मुझे बनानी थी, इसलिए मैं फ़िट कर दूँगा. बाद में मैं इसके ऊपर रैप लगा दूँगा ताकि एक अच्छा लुक आए और वो बाइक से मैच भी करे. तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं और करते हैं इसे फिट. इनके सर्विस सेंटर से ले सकते हैं या फिर कोई भी दुकान वालों का बोल दोगे तो आपको मंगा के दे देगा. न्यू का इसका प्राइस है कुछ 1400-1500 रुपीज़, लेकिन ये मुझे मिल गया है एक वर्कशॉप ऐसी. तो आप भी कोई मैकेनिक से टच में रहिए ताकि जो भी आपको कुछ भी पार्ट्स लगे तो आप जाके उससे ले सकते हो. तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं और करते हैं इसे फिट. हाँ तो दोस्तों, जो हमारे नकल गार्ड है वो लगते हैं इसके ऊपर. अब देख सकते हैं हैंडल के जो साइड्स में ये होते हैं वेट, इस पर वो लगते हैं. तो इसे हमें खोलना होगा. तो इसे खोलने के लिए हमें लगेगी एक एलेंकी. तो ये एलेंकी जो है ये हर बाइक के साइज़ के ऊपर वेरी करती है, तो वो आपको अपने साइज़ के लिए ढूंढना होगा कौन से साइज़ की लगती है. तो मैं मेरे में तो ये फिट हो रही है तो मैं इसे खोल रहा हूँ. इतनी आसानी से नहीं खुलती है, मैंने इसे थोड़ा लूज़ किया हुआ है क्योंकि मैं आज अकेले वीडियो बना रहा हूँ. तो मेरा एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ में टूल्स, इस वजह से तो इसे थोड़ा संभाल के निकालना होगा. देख सकते हो अंदर हैंडल में थ्रेडिंग होती है. ये आप स्कूटर्स में भी लगा सकते हो स्कूटर्स में, लेकिन आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करना होगा उसके अंदर. तो जैसे कि है निकाल गया है हमारा ये. तो अभी हम लेते हैं हमारा ये गार्ड लगाते हैं. अब ये लगेगा ऐसे, इसमें ये फिट होगा और यहाँ पे आके इसका ये हुक फिट होगा. तो मुझे जैसे कि मैंने कहीं से लिया है तो मुझे आगे का इसका फिटिंग नहीं मिला, तो मैं उसके लिए आपको कुछ बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ. तो पहले हम इसे लगाते हैं यहाँ पे. फिटिंग नहीं तो मैं लगाने वाला हूँ इस पर जिप टाइज. तो चलिए जिप टाइज लगाते इधर. दोस्तों आप देख सकते हो हमारे गार्ड्स लग चुके हैं अच्छे से एकदम और अच्छे तरीके से. तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरीके से लगा सकते हो. मैं सोच रहा था कि ये कलर का मैंने रैप देखा हुआ एक शॉप पे, तो वो ये वाइट पार्ट पे लगा दूंगा दोनों तरफ, तो क्या थोड़ा अच्छा लगेगा. और ये मेरी बाइक, इसके बाद तो वॉक थ्रू बनाने वाला हूँ मैं अच्छे से, तो आपको बाद में अच्छे से दिखाऊंगा. और अभी टेम्प्रेरी मेरे पास ये फिटिंग नहीं थी तो मैंने ये लगाया. ये मैं फ़िटिंग खुद से बनाऊंगा मेटल प्लेट से, तब मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने कैसे लगाया मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में. तो और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मोमोटो को. और जैसे कि आप ये देख सकते हो ग्लास, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो जाइए मेरे चैनल पे और चेक करिए ये ग्लास कैसे लगाते हैं. और ये फिटिंग के ऊपर देख सकते हैं आप अच्छे से फिटिंग आई है. उस दिन तो रात हो गई थी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा था. तो आप जाइए मेरे चैनल पे चेकआउट करिए. और अगर आपको कोई नई टाइप की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकूँ. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोमोटो.